नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वाट व अभिसूचना विंग की संयुक्त टीम व थाना नागल पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि थाना नागल पुलिस स्वाट टीम अभिसूचना विंग के सहयोग से पुलिस मुठभेड़ में हिंडन नदी के पास शातिर चोर गैंग के दो सदस्य मोहम्मद हैदर नवाब हैदर, जो दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इनको एक वैगनर कार, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक छुरी, एक लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 4 ईयरफोन, 5 चार्जर, 4 एलईडी, 9 बैटरी समेत गिरफ्तार किया। जबकि एक अभियुक्त बुरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। प्रभारी निरीक्षक नागल श्री छोटे सिंह और स्वाट टीम प्रभारी संजय पांडे और जरार हुसैन की टीम ने दो अभियुक्तों को हल्की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ये दोनों अभियुक्तों के पास से चोरी के माल बरामद हुए हैं और ये अंतर्राज्यीय चोर हैं। इनके द्वारा बिजनौर में भी चोरियां की गई है, रुड़की और रुड़की के आसपास भी चोरी करना स्वीकारा गया है, जिसके अभी जानकारी की जा रही है। इनके पास से थाना कुतुबसर में एक दुकान में, मोबाइल की दुकान में चोरी हुआ था, वहाँ चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त बैटरी, इन्वर्टर और अन्य सामान इनसे चोरी के बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें एक इनका सदस्य भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर,